ये आप देखिए, ये बाइक इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है और बड़ी दूर दूर से लोग इस बाइक को देखने के लिए भीड़ लग जाती है, रोक लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और अगर कुछ जाने नहीं देते। केवल इंजन यहाँ पर इसमें फ्रेम में जो है एडजस्ट किया गया है, वरना ये पूरी की पूरी बाइक आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी बाइक लकड़ी की है ये। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज तक आपने बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी महंगी बाइकें देखी होंगी और उनकी चर्चाएं भी आप लोगों ने जरूर सुनी होंगी। आज हम बिजनौर जनपद में पहुंचे हैं और जिस गांव में मैं खड़ा हुआ हूं, ये गांव है धीमरपुरा। यहां पर एक लड़के ने एक ऐसी बाइक बनाई है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसकी केवल जनपद बिजनौर में ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे भारत में चर्चा हो रही है और इस बाइक को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर इस गांव में आ रहे हैं। और ये नौजवान है जिसने इस बाइक को बनाया है। अब इस बाइक की क्या विशेषता है, कितना इसमें खर्चा हुआ है और कितना समय इस बाइक को बनाने में लगा है, इस नौजवान से ही पूछते हैं। सबसे पहले आप अपने गांव का अपना पूरा एड्रेस बताइए और अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनेश सैफी है, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, जलीलपुर ब्लॉक ग्राम धीमरपुरा। जी जुनेश जी, ये जो बाइक आपने बनाई है, इसकी तो बड़ी चर्चाएं हैं, पूरे देश में चर्चाओं में है और हम देख रहे हैं आपके आज आवास पर दूर दूर से लोग आए हुए भी हैं, तो इसकी विशेषता क्या है? जी, इसकी विशेषता ये, हमने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी, उसको फिर हमने लकड़ी में मॉडिफाई किया है। जी, लकड़ी। अच्छा, ये पूरी की पूरी लकड़ी से बनी हुई बाइक है? जी हाँ, इसका कुछ जो मेन पार्ट्स हैं वो इसके लोहे के, जैसे चेचिस हुआ, इसमें अभी इंजन है, मगर हम इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसका इंजन निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम इसको कंपनी में सेल करेंगे, कंपनी के थ्रू सेल करेंगे। अच्छा, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि भाई कुछ अलग तरीके का काम करना चाहिए, बाइक को जो है ये लकड़ी से बना देना चाहिए, इस तरीके का विचार आपके मन में कैसे आया? जी, मुझे पहले से ही बचपन से इन चीज़ों में शौक था। मैंने 2021 में एक लकड़ी की साइकिल बनाई थी 100 पीस वाली, फिर मैंने 2022 में एक साइकिल बनाई वो चलने वाली, जो वो चलती भी है। फिर मैंने सोचा और कुछ बड़ा करना चाहिए, तो मैंने एक लकड़ी की सेकंड हैंड बाइक लेके लकड़ी की बाइक कन्वर्ट की है। तो ये लकड़ी कौन सी आपने इस्तेमाल की है इसमें और कितना समय लगा है इसे तैयार करने में? मैंने पाइन की लकड़ी लेकर बनाई है और इसको बनाने में समय, मैंने रेगुलर तो काम नहीं किया, मैंने इसमें सुबह शाम में काम किया, क्योंकि हमारी दुकान है, वहां से आके सुबह शाम में काम करता था मैं, मगर मैं इसको 3 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा, तो आपने तो इसका लुक एक तरह से बुलेट का लुक दिया है, तो ये बाइक पैशन प्रो है? जी, पैशन का इंजन है, मैंने सेकेंड हैंड बाइक पैशन खरीदी थी, उस पर मैंने मॉडिफाई की है। अच्छा जी, तो ये जो इंजन रखा हुआ है, ये सब लकड़ी का फ्रेम है या ये भी लोहे का है? इंजन तो हमारा लोहे का ही है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो हम इंजन भी लकड़ी का बनाएंगे, उसके अंदर जगह रखेंगे बैटरों के लिए, बैटरी रख के फिर हमारा इंजन भी लकड़ी का दिखाई देगा जब हम इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। जी नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये जो ये आपने इस पे कलर किया है या ये भी लकड़ी का है? ये जो ये चेचिस है, ये लकड़ी का नहीं है, ये लोहे का ही है, इस पर हमने लकड़ी वाला कलर किया है। जी, और बाकी सब हमारा लकड़ी का है, हमने टूल्स बॉक्स भी लिया है, एक हेलमेट बनाया है लकड़ी का, चारों इंडिकेटर है हमारे, काम करते हैं, जलते भी हैं और अगली लाइट भी चलती है अपनी। जी, तो लगभग कितना खर्चा आपका इस बाइक को बनाने में आया? 90 से 95 हजार का खर्चा आया। 90 से 95 हजार रुपए? जी। तो ये चलती भी है या बस 100 पीस है? नहीं, चलती है, ये बहुत अच्छी तरीके से चलती है, नॉर्मल बाइक की तरह चलती है, चाहे नॉर्मल बाइक जितने वेट उठा सकती है, जो भी इतना ही वेट लेके चलती है। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जुनैद ने ये लकड़ी की बाइक बनाई है और इस बाइक को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार इस बाइक को चारों ओर से आप दिखाइए, कितनी अच्छी इस बाइक की फिनिशिंग है, ये आप देख सकते हैं। और ये पैशन गाड़ी है, लेकिन इसे एक तरह से बुलेट का यहाँ पर लुक दिया गया है, ये आप देखिए स्लेंसर किस तरीके से है, किस तरीके से यहाँ पर इसके ये व्हील यहाँ पर एक तरह से तैयार किए गए हैं। ये गांव की एक विलक्षण प्रतिभा है जुनैद, ये आप देखिए, ये यहाँ पर बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये टूल बॉक्स है, इसमें हमारे सामान रखते हैं, इसमें हमने लॉक किया है, इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं टूल्स से। जी,
तो जुनेद मैं जानना चाहता हूं कि ये बस एक लिमिट स्पीड में आपकी बाइक चलती है या जिस तरीके से पैशन फर्राटा भरती है उसी तरीके से आपकी बाइक भी दौड़ती है? जी जितनी आम बाइक चलती है उतनी ये चलेगी, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा ना कुछ बिकार होगा। जी आप आगे आइए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जुनेद ने ये जो हेलमेट है ये हेलमेट भी यहाँ पर लकड़ी से तैयार किया है और ये भी लकड़ी का ही है, ये आप देख सकते हैं और इस पे ये लिखा हुआ है वुडन मैन 88 हमारा यूट्यूब चैनल है। अच्छा जी हाँ, सब्सक्राइब करें और लाइक करें फॉलो करें। जी तो यहाँ पर ये जो तेल डालने का है ये भी लकड़ी का ही है? ये हमारा लकड़ी का नहीं है, हमने इसके अंदर छोटा टैंक बना के लगाया है अभी क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम टैंक निकाल के इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक के फ्यूचर आते हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं। जी अच्छा, इलेक्ट्रिक सिस्टम इसका जो है यहाँ से स्टार्ट होता है ये? जी जी यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार इस बाइक को बैठ कर स्टार्ट करके दिखाएं आप और इसके जो फंक्शन है वो फंक्शन भी आप दिखाएं। तो ये आप देख सकते हैं जुनेद अब इस बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप देखिए, और ये इंडिकेटर आप देख सकते हैं, आप सामने से आकर दिखाइए जरा, ये आप देखिए ये किस तरीके से बाइक यहाँ पर इसके पूरे फंक्शन यहाँ पर, ये हेडलाइट आप देख सकते हैं, इंडिकेटर आप देख सकते हैं। और अच्छा ये सिस्टम क्या है? ये अगली वाली लाइट के लिए है, वाइट लाइट होती है और अपनी पीले कलर की लाइट जलती है। जी ये हमारी हेडलाइट का हो गया, जी ये अपना हॉर्न हो गया और ये रेस है। ये आप देख सकते हैं, आप ये जुनेद यहाँ पर बाइक को चलाकर भी दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये साइलेंसर की आवाज भी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, पीछे के जो इंडिकेटर हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। और कितना अच्छा यहाँ पर इस बाइक को डिजाइन किया गया है तो ये आप देख सकते हैं। जुनेद मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप बढ़ई का काम करते हैं? जी हमारा खानदानी काम है, हम सैफी हैं काठ से, तो हमारे खानदानी काम होता है सैफियों का। जी अच्छा, जिस तरीके से अब आप चर्चाओं में हैं और दूर दूर से आपको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, आपकी बाइक को देखने के लिए आ रहे हैं, आपके इंटरव्यूज भी लगातार सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आप आए हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। जी डीएम साहब ने भी आपकी प्रशंसा की? जी हाँ, उन्होंने कहा है प्रगति मैदान दिल्ली में मेला लगेगा, वहाँ पे इसको बाइक को और हमारे हमने साइकिल भी बनाई है लकड़ी की, उसे डिस्प्ले कराएंगे। जी तो रोड पर चलने में मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? अभी जब हम इसको इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी तो इसमें इंजन रखा हुआ है तो चालान की दिक्कत है। अच्छा अभी चालान की दिक्कत है? जी जी। अच्छा पत्रकार कहाँ से आपके पास पहुँच रहे हैं? जी आज बिहार से आए हुए हैं हमारे बड़े भाई और काफी दूर से आए हुए हैं, और आप भी सहारनपुर से आए हुए हैं, नजीबाबाद से आए थे और आते रहते हैं, बहुत सारे आते हैं। जी आप बिहार से आए हैं? पटना से आए हैं। अच्छा पटना से ये बाइक देखने के लिए? ये बाइक देखने का, इनकी वीडियो देख देख के रहा नहीं गया और हम आ गए यहाँ पे इनसे मिलने। अच्छा अच्छा, तो जैसा मतलब वीडियोज में आपने देखा तो यहाँ पर वैसा ही मिला या कुछ? वैसी बाइक, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सब वही है, A to Z लकड़ी की बनी हुई, बस थोड़ी मोटी इंजन है, वो भी भाई ने इतनी मेहनत की है, देख के रहा नहीं कि आप बस मिलने आ गए इनसे। तो सरकार को भी ऐसे नौजवानों को जो इस प्रकार के हुनरमंद हैं उत्साहित करना चाहिए। जरूर जरूर। तो किसी जनप्रतिनिधि का भी आपके पास फोन वगैरह आया है जो आपके क्षेत्र से विधायक हैं या फिर सांसद हैं, जिस प्रकार का आपने ये एक तरह से मैं तो आविष्कार कहूंगा आपने किया है? सर बहुत काफी फोन आ रहे हैं, अभी विदेश से भी फोन आ रहे हैं, कंपनियों के फोन आ रहे हैं, अभी चल रही है बात। जी तो अगर कोई आपसे इस बाइक को खरीदना चाहे तो क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? नहीं इसको नहीं बेचूंगा, मगर हम इलेक्ट्रिक में जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे फिर हम बहुत सारी अपनी कंपनी के थ्रू बाइक बनाएंगे, फिर उसको हम सेल करेंगे, मार्केट में उतारेंगे। जी तो कुछ लोगों ने तो आपसे जो है ये सवाल किया होगा, पूछा होगा कि भाई जुनेद भाई ये बाइक हम लेना चाहते हैं, आप सेल करोगे क्या? मेरे पास कम से कम 1000 कॉल मैसेज हैं, जो कि मेरा फोन, मैंने फोन अपना बंद कर दिया है, इतने ले इसको खरीदने के लिए सब लाइन में लगे हुए हैं। जी मगर मैं अभी नहीं बेचूंगा, इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके फिर हम इसको कंपनी बनाएंगे, उसके बाद बेचेंगे। तो जिस समय आप रोड पर इसे लेकर चलते हो तो भीड़ लग जाती होगी? भीड़ लग जाती है, रोक लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और अगर कुछ जाने नहीं देते, बहुत दिक्कत आती है रोड को पे चलने के लेके इसको,
क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, अच्छा भी लगता है, दिल को खुशी होती है यानी कि मैंने इतनी अच्छी चीज बनाई जो मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। तो आप देख सकते हैं जुनेद सैफी इस नौजवान का नाम है। और एक बार फिर से मैं आपको ये बाइक दिखाना चाहूंगा, आप जरा सामने से दिखाइए, ये आप देखिए, ये बाइक इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है और बड़ी दूर दूर से लोग इस बाइक को देखने के लिए आ रहे हैं। और ये पूरी की पूरी बाइक आप देख सकते हैं, केवल इंजन यहाँ पर इसमें फ्रेम में जो है एडजस्ट किया गया है, वरना ये पूरी की पूरी बाइक आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी बाइक लकड़ी की है। ये आप जुनेद की कलाकारी देख सकते हैं, इसका जरा एक बार नंबर भी आप दिखा दीजिए, ये आप देखिए, बड़ी जबरदस्त ये बाइक है और बड़ी चर्चाओं में भी है। अगर आप भी इस प्रकार के नौजवानों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार ऐसे नौजवानों की ओर कुछ ध्यान दे और इनको प्रोत्साहित करने का काम करे, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।